what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be. Assalamu alaikum, viewers. My name is Vajya Fatima, and you are watching Vajya Fatima YouTube channel. So, kaise hain aap sab? I hope you are well. So, hazir hoon main aaj ek aur nayi recipe ke saath, jo hai bandgobi gosht. So let us start the cooking. Before cooking, I am telling you ingredients of the recipe. आधा किलो मैंने बंद गोभी लिए जो मैंने चॉप कर लिए. आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है. 1 कप मैंने ऑयल लिया है. 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है. 12 से 14 अदद मैंने हरी मिर्च ली है. 3 मैंने प्याज लिए जो चॉप कर लिए मीडियम साइज़ की. 4 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के जो मैंने चॉप कर लिए. 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिए. 2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है. 2 टेबल स्पून मैंने धनिया भुना कुटा हुआ लिया है. 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी लिए. नमक मैंने हसब जायका लिए. तो हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं कुकर में ऑयल डाल रही हूँ. प्याज को ब्राउन करेंगे. जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगी. हाई फ्लेम पे मैं प्याज को ब्राउन करती हूँ. इस पॉइंट पे हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है तकरीबन. अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर हरी मिर्च जिसमें मैंने चीरे लगा लिए और मैं इस तरह से ये सारी हरी मिर्च डाल दूँगी. जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दूँगी. बीफ का गोश्त डाल दूँगी. गोश्त शामिल करने के बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी. इस पॉइंट पे मैं इसमें पानी शामिल करूंगी. मैंने 1 लीटर की पूरी बोतल डाल दी है. अगेन मैं एक और
और बॉटल पानी डालूंगी। तकरीबन इतना पानी डालेंगे हम इसमें। अब तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं कुकर को बंद कर दूंगी। मिनट के बाद मिलते हैं। 40 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने कुकर को खोल लिया। अब मैं इसमें बंद गोभी शामिल कर दूंगी। बंद गोभी में शामिल कर चुकी हूँ इसमें। अब तकरीबन आधा घंटा मैं गोभी को पकाऊंगी। आधा घंटा गुजर चुका है और पानी एकदम खुश्क हो गया है। बंद गोभी हमारी गल गई है और सालन हमारा भुना गया है। अब इस टाइम पे मेरा सालन बंद गोभी गोश्त का बनकर तैयार हो चुका है। अब ये रेडी टू सर्व है। अब हमारा बेहतरीन किस्म का बंद गोभी गोश्त का सालन बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना बेहतरीन कलर आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर वालों के साथ खाने। आप भी जाइए, बनाइए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।